निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। भाजपा सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। मोदी सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। योगी सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। गोवर्धन क्षेत्र के गांव बचगांव में चल रही राशन की दुकान के विवाद को लेकर सैकड़ों ग्रामीण बुधवार को जिला अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर दुकान का आवंटन किए जाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी को एक लिखित पत्र सौंपा। इस मौके पर ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि गाँव के कुछ दबंगों द्वारा संबंधित अधिकारियों से मिली भगत कर राशन की दुकान को अपने पक्ष में आवंटित करा लिया है, जबकि प्रस्ताव की मीटिंग में ग्रामीणों को बुलाया ही नहीं गया। अब ग्रामीणों को डर है कि दुकान फिर से उसकी हक में ना जाने से वह उसी तरह का व्यवहार करेगा जैसा पहले करता था, साथ ही दोबारा से उसी के पास दुकान जाने से राशन कार्ड धारकों को राशन न मिलने की चिंता सताने लगी है। इसी के चलते ग्रामीण बुधवार को जिला अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। यहां ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह ने कहा कि यदि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वह राशन डीलर पहले की तरह ग्रामीणों को राशन नहीं देगा। इसलिए उन्होंने जिला अधिकारी से मिलकर निष्पक्ष रूप से प्रस्ताव मीटिंग रख सभी ग्रामीणों के समक्ष सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर दुकान के आवंटन की मांग की है। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से बचगांव पंचायत के डीलर के विषय में मिलने आए थे, और पहले भी परसों करीब 1400-1500 लोग थे ब्लॉक में वीडियो के सामने, और वहां इसी बात का विरोध था कि ये बचगांव में न होके कहीं और इसकी मीटिंग करी जाए, आम सहमति से डीलर को नियुक्त किया जाए। देविया है, सेरा है, सबला है और अनेकों उसके हैं, और जब तक ये नहीं होता है तब तक इसको कोथरा से अटैच कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ अगर रहेगा तो बेईमानी पहले भी होती आई है, गरीबों को उसका वो नहीं मिलता सामान, और ये लोग सब बेच के खा जाते हैं। और ये शिकायत है बचगांव की नहीं है, आम पूरे जनपद में, क्या मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में यही डीलरों की शिकायतें हैं। रालोद द्वारा क्या कार्रवाई करी जाएगी? रालोद द्वारा तो निष्पक्ष जांच की बात की, और डीएम साहब ने उस पर आदेश भी कर दिए वीडियो के लिए कि निष्पक्ष कराया जाए, और जहाँ सहमति हो वहाँ पे करवा दिया जाए। तो उसी बात को लेकर डीएम साहब से मिले थे, तो उन्होंने हमको लिखा आदेश भी कर दिया और कहा भी है कि निष्पक्ष होगा, आप निश्चिंत रहें, इसमें कोई किसी जबरदस्ती, इसमें राजनीति भी हो रही है, सत्ता पक्ष के लोग जबरदस्ती एसडीएम बीडीओ पे दबाव डाल रहे हैं कि इसको वहीं किया जाए, वो बेईमान और चोर को दिलवाना चाहते हैं। ये सबका न्याय, सबका साथ सबका विकास है मोदी जी का, कि उन्हीं लोगों को वही छिनरा वही डोली के संग। क्या नाम है राशन डीलर का? राशन डीलर तो निरस्त हो गया, नहीं चेन हो गया उसका। अब वो नया हुआ, वो गलत हुआ, रामेश्वर हुआ, वो गलत हुआ इससे रखा। हम ये चाहते हैं कि ये देविया में हो या किसी और हो, कोथरा में हो जाए, कहीं भी हो जाए, लेकिन वहाँ ब्लॉक पे हो जाए, हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक पे हो जाए, खुली मीटिंग हो जाए, वहाँ सभी वहाँ के लोग आ जाएंगे, उसकी जांच।